नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड में ओमिक्रॉन है या नहीं अगले साल ही चल पाएगा पता। कोरोना के नए वेरिएंटल ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बढ़ गई है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसी जांच की सुविधा अभी तक शुरू नहीं हो पाने के कारण इसकी पहचान को लेकर संकट बना हुआ है। अब यह साल भी खत्म होने को है, ऐसे में अब अगर नई मशीनें लाकर जीनोम सीक्वेंसी जांच शुरू भी की जाती है तो इसका लाभ लोगों को अगले साल ही मिल सकेगा। चक्रवाती तूफान जवाद का असर, खराब मौसम के कारण भुवनेश्वर से लौटा एयर इंडिया का विमान। झारखंड में चक्रवाती तूफान जवाद का असर विमान सेवा पर भी पड़ा। एयर इंडिया का विमान रविवार को रांची से भुवनेश्वर के लिए उड़ान तो भरा, लेकिन भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर चक्कर लगाकर वापस लौट गया। मौसम खराब रहने के कारण विमान लैंड नहीं कर सका, विजिबिलिटी भी काफी कम थी, इस कारण विमान वापस लौट गया। यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा रिफंड कर दिया गया। साहिबगंज के गंगा घाटों पर लगा गंदगी का अंबार, स्नान दान करने पहुंच रहे लोगों को हो रही है परेशानी। साहिबगंज के गंगा घाटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और यहां आने वाले लोगों को ये तस्वीरें मुंह चिढ़ा रही है, क्योंकि साहिबगंज झारखंड का इकलौता जिला है जहां गंगा बहती है और अपने 83 किलोमीटर के दायरे में यह गंगा जल एकदम शुद्ध है। इसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही और बदनजामी के चलते यहाँ के गंगा घाट गंदगी से अटे पड़े हैं। हत्या और डाका जैसी घटनाओं में संलिप्त हो प्रशांत प्रधान, बन गया कोल माफिया, सहयोगों के बारे में भी दी जानकारी। हजारीबाग और गिरिडीह में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद प्रशांत प्रधान कोयला माफिया बना। उसने जमीन का धंधा कर भी संपत्ति अर्जित की। हजारीबाग पुलिस की ओर से रिमांड पर किए जाने के बाद शुक्रातृति बयान में प्रशांत प्रधान ने इन बातों को खुलासा किया। उसने बताया कि वर्ष 1996 में उसके बड़े भाई प्रभात प्रधान को मामूली विवाद में शिवपुरी मोहल्ले के कमलेश ने चाकू घोंप दिया था। कोरोना का कहर, झारखंड में कोरोना ने गरीबों पर ज्यादा बरपाया कहर, जानिए क्या कहती है WHO की रिपोर्ट। पूरी दुनिया को फिर चिंता में डालने वाला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का कितना खतरनाक है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन साफ हो चुका है कि अब तक जो भी वेरिएंट मिले उसे झारखंड के गरीबों पर ज्यादा कहर बरपाया है। सूबे में कोरोना ने गरीबों की ज्यादा जान ली है। राज्य में कोरोना से हुई मौत पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन से पता चला है कि यहाँ कोरोना से मरने वालों में आधे से अधिक 55 या करीब रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं या उनके पास आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं थे। यही नहीं, रिपोर्ट में नया गया है कि मरने वालों में 66% अकुशल मजदूर थे। पटना की इस खूबसूरत हसीना के झारखंड तक है नाम, दूल्हे संग किया ऐसा काम की जानकर होंगे हैरान। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र की इंद्रपुरी के रहने वाली लवली अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह की सरगना निकली। वह पटना में बैठकर गिरोह का संचालन करती थी। झारखंड में वाहनों की चोरी और लूट की गई घटनाओं को उसने अंजाम दिया। बन ठन कर रहने वाली लवली सड़क पर सुनसान में अकेले खड़ी हो जाती, कार चालकों से लिफ्ट मांगती, पूर्व प्लान के अनुरूप उसके साथी रास्ते में रुकते और लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। हालांकि अब वह गिरोह के 5 अपराधियों के साथ रांची के बुड़मू थाने के पुलिस ने के हत्या चढ़ चुकी है। उनके पास चोरी के 3 चार पहिया वाहन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में चानो थाना क्षेत्र के तरंगा निवासी फरीद खान, पटना के लवली सिंह एवं हजारीबाग के शिव कुमार, अशफाक अंसारी, मोहम्मद अजहर व मुश्ताक आलम उर्फ रमान शामिल है। जवाब बेअसर, आंशिक रूप से बादल ही दिखे, कल से मौसम को हो जाएगा साफ। राजधानी रांची में सोमवार की सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, वहीं राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में भी मौसम बदला हुआ है। इन इलाकों में हल्की बारिश हुई है। दरअसल जवाब चक्रवात का कोई खास असर अब तक देखने को नहीं मिला, हालांकि आंशिक रूप से बादल जरूर छाए रहे, बीच बीच में धूप निकलती रही। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पूरे राज्य में 1-2 स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश हुई थी। सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहे, मंगलवार से मौसम साफ हो जाएगा। जानिए क्या है झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मांग, क्यों किया है हड़ताल का ऐलान।
झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य में पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें घटाने की मांग को लेकर अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारी ने शुक्रवार को रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें 22% से घटाकर 17% नहीं करती तो आगामी 21 दिसम्बर को पूरे झारखण्ड में सभी पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। झारखंड की इन दीदियों ने बदल दी है बैंकिंग की परिभाषा, हर महीने कर रही है करोड़ों का ट्रांजेक्शन। झारखंड के गांवों की तकरीबन 4,500 महिलाओं ने बैंकिंग की परिभाषा बदल डाली है। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के रूप में कार्यरत ये महिलाएं हर महीने 120 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर रही है। इनके जरिए दूर दराज के गाँव में भी बैंकिंग की सेवाएं लोगों के दरवाजे तक पहुँच रही है। अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए घर से 10-20 किलोमीटर दूर बैंक पहुंचकर लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। दिन भर खेत में काम कर रहे दो पैसे बचाने वाले किसान हो या सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ पाने वाला छात्र, सबको बैंकिंग की सहूलियत घर बैठे मिल रही है। गांव के लोग इन्हें बैंक वाली दीदियों के रूप में जानते हैं। झारखंड में 6 नए कोल ब्लॉक शुरू करने पर बनी सहमति, सीएम हेमंत सोरेन ने कही बड़ी बात। झारखंड सरकार और केंद्रीय खनन मंत्रालय के बीच झारखंड में 6 नए कोल ब्लॉक में खनन कार्य शुरू कराए जाने पर सहमति बन गई है। शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के शीर्ष अधिकारी और केंद्रीय खनन मंत्रालय के अपर सचिव एवं नागराज के बीच हुई बैठक में इस मुद्दे पर कई नीतिगत निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री के कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में हुई बैठक में झारखंड स्थित 29 कोल ब्लॉकों को चालू करने पर चर्चा हुई।